ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर ज्ञान और भक्ति का आश्चर्य समन्वय कर रहे हैं। ही इज रिकॉन्शियलिंग नॉलेज एंड डिवोशन। कलिजुग का जो विशेषता है, जहाँ पर शरीर धारण किए वाले को देहबोध को परे जाने का संभव नहीं होता है, उस अवस्था में भक्ति को अवलंबन करते हुए ईश्वर को नाना रूप से आस्वादन करना, जो ठाकुर जो अद्भुत समन्वय का बात बोला है कि अगर कोई ज्ञान लाभ करने चाहते हैं तो उसको भी भक्ति मार्ग से आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग सहज है एवं भक्ति मार्ग से जाने पर उनको ज्ञान ही मिलेगा। ये नहीं है कि उसको भक्ति में सीमित रहना पड़ेगा। जो ज्ञान चाहते हैं वो भक्ति मार्ग से आगे बढ़े, क्योंकि वो सहज है और भगवान दयामय जब कोई ज्ञान प्रार्थना करते हैं उसको ज्ञान दे देते हैं। अभी दूसरे ओर से बता रहे हैं, अगर कोई भक्ति चाहते हैं, ज्ञान नहीं चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, उसका क्या नतीजा होगा। ठाकुर कहते हैं सबको एक ही चीज़ मिलेगा। जो ज्ञान चाहते हैं उसको भक्ति मार्ग से जाने से भक्ति तो मिलेगा ही, फिर ज्ञान मिलेगा। और जो ज्ञान चाहते हैं वो भक्ति मार्ग से ज्ञान मिला, जो भक्ति चाहते हैं वो आगे जाके भक्ति तो मिलेगा फिर ज्ञान भी मिलेगा, वो कैसे होता है। यहाँ पर ठाकुर व्याख्यान करके बता रहे हैं, जो भक्ति पथ में है, जो भक्त है, भक्ति चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ईश्वर को साकार रूप से दर्शन करने चाहते हैं एवं उसके साथ आलाप करने चाहते हैं, बातचीत करने चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू इंटरैक्ट विद गॉड, बिकमिंग सेपरेट फ्रॉम हिम। ज्ञानी मार्गी क्या करते हैं, भगवान के साथ अभिन्न हो जाने चाहते हैं, लेकिन भक्ति मार्गी वो नहीं चाहते हैं। इनका विशेषता है, तो जो भगवान के साथ अभिन्न होने चाहते हैं वो भगवान को प्रार्थना करने से भगवान को बना देंगे, बिकम मर्जिस विद गॉड। बट भक्त तो ऐसे नहीं कहते हैं। भक्त कहते हैं हमें चीनी होते चाहिए ना, हमें चीनी खेते भलोबासी। इट डजेंट वॉन्ट टू बिकम शुगर, ई वॉज अ टेस्ट द शुगर। सो देयर मस्ट बी टू डुअलिज्म, नॉट ओनली डुअलिज्म। भक्त भगवान को साकार रूप से दर्शन करने चाहते हैं एवं आलाप करने चाहते हैं। श्री ठाकुर कहा करते थे कि सिर्फ दर्शन से कैसे होगा, उसमें आगे भी है, दर्शन स्पर्शन आलिंगन कथोपकथन, इसी नाना प्रकार का उपाय से भगवान के साथ जो आनंद करना वो भी चाहिए, जिनपल आलाप आदि भी चाहिए। तो ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया भगवान को कैसे नाना रूप से हम उपभोग कर सकते हैं। हाउ कैन वी एन्जॉय विद गॉड, मेक अवर लाइफ एन्जॉयबल इन द इंटरेक्शन विद गॉड इन ए ड्यूअलिस्टिक वे। तो वो जिसको ऐसी रुचि है, वो अगर भगवान को भक्ति मार्ग में जाती हुई
वो आगे बढ़े तब उसको ऐसी अनुभूति होगा, यू रियलाइज गॉड इन ए ड्यूअलिस्टिक वे। तभी लेकिन ये जो भक्त है वो प्राय ज्ञान नहीं चाहते हैं, डजेंट वॉन्ट टू बिकम वन विद गॉड, हैज टू मेंटेन हिज आइडेंटिटी। एक हो जाने से भगवान के साथ उनका आनंद का अवकाश नहीं होगा। तभी क्या होता है, इन्होंने नहीं मांगा, जैसे ज्ञान मार्गी ज्ञान मांगा है वह ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जो भक्ति मार्गी है वो ज्ञान नहीं चाह, लेकिन भगवान दयावान है, स्वेच्छामय है, वो खुद ही भक्त को ज्ञान दिला देते हैं। जबकि भक्त नहीं चाहा, बट भगवान आउट ऑफ हिज ओन, भगवान के आनंद के लिए, भगवान आनंद पाने के लिए भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह अद्भुत संवाद दिया है कि यद्यपि भक्त नहीं चाहा, भगवान खुद ही, जैसे एक उदाहरण देके श्री राम कृष्ण ने बताया कि एक मालिक का एक नौकर था, नौकर बहुत प्यार करते थे, नौकर उनको बहुत सेवा करते थे चारों ओर से एक आत्मा होकर, और तब मालिक का नौकर का बहुत प्यार आ गया। तो एक दिन जब नौकर आया है तो मालिक उनका आसन में समासीन थे, उन्होंने क्या कहा, उठकर नौकर को हाथ पकड़ के वो आसन में खुद ही बैठा दिया। तो नौकर कहते, मैं तो नौकर हूँ, आपका आसन में मैं बैठने का मेरा योग्यता नहीं है, ना मैं चाहता हूँ, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। जो आदर्श जो सेवक होगा वो सेवक को सेवा करनी चाहते, उसमें उसका शेष और कुछ नहीं है, डजेंट वॉन्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ही वॉन्ट्स टू सर्व हिज मास्टर एंड बिकम ब्लेसड हैप्पी। लेकिन भगवान क्या करते हैं, उसको इतना भक्ति इतना प्यार उतना सेवा देखते हुए भगवान मजबूर होके उनको हाथ पकड़ के अपना कुर्सी पर बैठा देते हैं और कहते हैं, तू ही हो जा अमी होता ही, दे बिकम मर्ज्ड विथ लव, प्यार से दोनों अभी मिल जाते हैं और तब उनका भी दूसरा समाधि हो जाता है। तो एक ओर से रूप दर्शन करते हुए उनकी जो साकार पंथावलंबन करते हुए उनका समाधि, दूसरा ओर से ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए निर्विकल्प समाधि, दोनों किस्म का अनुभूति संभव है। और ये जो ठाकुर की जो भक्तगण का जो मनोवांछा है, तो मैं आपसे अभिन्न नहीं होना चाहता हूँ। चैतन्य देव का एक प्रार्थना में है कि हे प्रभु, मैं कभी आपसे हम एक नहीं होना चाहूँगा, आई डो नॉट वॉन्ट टू बी यू, आप बड़े हैं आप महान हैं और मैं छोटा हूँ, यद्यपि आई वॉन्ट टू गेट मर्ज्ड इन यू, बट आई वुड नेवर लाइक टू थिंक दैट आई एम यू। जो कि ज्ञान मार्गी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, भक्ति मार्गी कभी नहीं कहेगा, तो रुचि के बाहर है। यद्यपि भगवान कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, वो उसको हाथ पकड़ के बैठा देते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। और चैतन्य देव का प्रयाण में कहते हैं कि एक सागर का ही तरंग होता है, तरंग का कभी सागर नहीं होता है, समझने का बात है। अगणित तरंग लेकर ही सागर है, सागर का सीम जलराशि है, तो हजारों लाखों जो तरंग उठता है उसमें सागर बनता है, लेकिन तरंग कभी सागर नहीं हो सकता है। वैसे जीव ईश्वर का संपर्क है, जीव भगवान को पुकारते हुए तरंग समुद्र में पर्यवसित हो जाएगा, तो समुद्र एक तरंग में पर्यवसित नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही भक्त जब
ईश्वर को पुकारते हुए प्रेम निवेदन करते हुए भगवान के साथ उसका तादात्म्य मिलता है एवं प्यार से वो अच्छेद हो जाते हैं, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी वैशिष्ट वो बजाय रखते हैं। ही केयरफुली मेंटेन्स हिज आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो ईश्वर के साथ उनका जो संपर्क हो एकाकार हो जाएगा। तो इन लोग का जो विचार है कि भाव समाधि में भगवान के साथ सविकल्प रूप से जुड़ना साकार उपासना, फिर जब निर्विकल्प भाव में भगवान के साथ वो आध्यात्मिक चेतना में लुप्त हो जाना, दैट इज वो निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दोनों ओर से भगवान को वो उपभोग करने चाहते हैं। ठाकुर इसलिए कहा करते थे कि ईश्वर को सब प्रकार से अनुभूति में लाना है। यू हैव टू कॉल एंड गेट एन्जॉयड विथ गॉड इंटॉक्सिकेशन इन सो मेनी वेज, बट द मेथड इज भक्ति। भक्ति के माध्यम से जाने से ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी। ठाकुर बारंबार बोल रहे हैं इस मार्ग में जाने से तुम्हारा भक्ति भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। जब आप यद्यपि ज्ञान नहीं चाहते हो, लेकिन ईश्वर अपने ओर से खुशी से आपको चारों ओर समृद्ध कर देते। भगवान का इच्छा होता है, जैसे कि पिता की इच्छा होता है उनके सारे ऐश्वर्य सारा संपत्ति अपना पुत्रों को खुद वो दे के उनको अभिहित करते हैं, वैसे ही भगवान जो चाहते हैं उनकी जो ऐश्वर्य जो है वो जो सड़ेश्वर जो है वो अपना जो प्यार भक्त उनको सर्वश्रेष्ठ में संभूषित करना, जो जो ईश्वर का भगवान जो उसे कह लेते हैं कि षड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान तो ऐश्वर्य एवं छह प्रकार का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्रस्य जो उनका श्री ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सब कुछ लेके है भगवान। छह प्रकार का ईश्वर जो पूर्ण मात्रा में जिसके पास उपस्थित होता है इसको भगवान कहलाता है। भगवान चाहते हैं उनका जो षड्ईश्वर जो है वो देकर भक्तों को संभूषित करें। आपने गले के माला खोल के भक्तों को गले में पहना देता है प्यार से, भक्त नहीं चाह, भक्त संकुचित होता है। जैसे ज्ञानी भगवान से ज्ञान प्रार्थना करके वो ज्ञान प्राप्ति होता है, लेकिन भक्त कुछ नहीं चाहते। भक्त भगवान को प्यार करते भी ही अपना कर्तव्य समापन करते हैं। नाउ इट इज टर्न ऑफ गॉड टू इक्विप हिज डिवोटी इन एवरी पॉसिबल वे एज ए टोकन ऑफ हिज लव। तो भक्त भगवान का एक अपूर्व जो संयोग है, संपर्क है, वो ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं। एक ओर से वो भक्त है, दूसरे ओर से वो ज्ञानी है। एक अद्भुत समावेश ठाकुर और स्वामी जी के भीतर हम देखते हैं। ठाकुर कहा करते थे, मैं भीतर में ज्ञानी हूँ, बाहर में मैं भक्त हूँ। वेयर एज नरेंद्र नाथ वो भीतर में भक्त है लेकिन बाहर में ज्ञानी है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो देयर लाइफ बी स्पीक्स हाउ डिवोशन एंड नॉलेज कैन बी इन ए बैलेंस्ड वे इंटीग्रेटेड। ठाकुर एक ओर से मोहन मुँह सविकल्प समाधि हो रहा है भक्ति का ओर से, फिर निर्विकल्प समाधि भी हो रहा है ज्ञान का ओर से। भक्ति और ज्ञान का जो आश्चर्य समन्वय ठाकुर अपने जीवन में किया एवं चाहते थे उनके भक्तगण भी अनुरूप ओर से ईश्वर को आस्वादन करें। ठाकुर ऑल्सो वांट्स एंड स्वामी जी ऑल्सो सेड दे, अगर हम ऐसी ज्ञान भक्ति के समन्वय नहीं करते हैं तो हमारे जीवन रामकृष्ण का भावधारा में वो सुगठित संगठित नहीं हुआ। रामकृष्ण मुशाए द्रुत है नहीं, इट हैज नॉट बीन कास्ट इन द मोल्ड ऑफ श्री रामकृष्ण। ऑनली सी इंटीग्रेट द वेरियस ways to enjoy God.
चारों ओर से अगर हम हमारा जो शैली पारदर्शिता लाभ ना करें, वी शुड नॉट बी वन वे, ओनली ज्ञान ओनली भक्ति नहीं, सब ओर से एक समन्वित करते हुए ईश्वर को आस्वादन करना ही युग धर्म वही भक्ति से मिलता है। तो भक्ति से हमारा सब कुछ प्राप्ति होगा, लेकिन मांगने का अवसर नहीं है, मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद ही, यहाँ पर ठाकुर उल्लेख किया है, भगवान खुद ही अपना खुशी से सब कुछ दे के हमें धन्य कर दे रहे हैं, हमारा जीवन सार्थक कर दे रहे हैं। यही भावना से हम और भी आगे देखेंगे कि भक्ति और ज्ञान का कैसे सुसमंजस किया जा सकता है, वो ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया, एवं उनके जो पार्षद आदि थे वो भी ठाकुर के जो पद्धति है उसे जीवन में अपनाया, उसे प्रतिफलित होता है, कैसे जीवन उन लोग धन्य किया, सफल किया, ज्ञान और भक्ति को इंटीग्रेट करते हुए। इस प्रसंग को और भी हम विस्तार करके अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, आप लोग सब स्वागत है, अवश्य योगदान करेंगे, लिपि भी आ जाएगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।